देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान को चला रहा है। शुक्रवार को इस अभियान के अंतर्गत प्रतापपुरा प्रधान डाकघर में तिरंगा जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। देश के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान चला रहा है। शुक्रवार को इस अभियान के अंतर्गत प्रतापपुरा प्रधान डाकघर में तिरंगा जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। आगरा डाक परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल राजीव उमराव ने बताया कि केंद्र सरकार पूरे साल देश के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। मुझे बता दें, बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके तहत विभाग ने ठान लिया है कि गांव-गांव तक हम हर घर तिरंगा पहुंचा के रहेंगे। इस दिशा में हमारे 14 मुख्य डाकघर, 450 डाकघर और 2500 ग्रामीण डाकघरों में तिरंगा मुहैया कराया गया और इस पूरे कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि जो हमारे क्षेत्रीय राजनीतिक लोग हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका भी सहारा लिया जाए और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसमें सभी वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आगरा डाक परिक्षेत्र के PMG राजीव उमराव ने बताया कि देश के गांव-गांव और सुदूर क्षेत्रों में रह रहे लोगों के हाथों में राष्ट्र ध्वज तिरंगा पहुँचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने भारतीय डाक विभाग को दी है। आज सुबह हमारे हर मुख्य डाकघर से प्रभात फेरी निकाली गई है। हर मुख्य डाकघर में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां लोग आकर के तिरंगे के साथ अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो साल भर चलेगा और उस दिशा में फिलैटली के लिए RPLI का हमारा बहुत लंबा कैंपेन चल रहा है। हम आम नागरिक की सेवा करें, उनको मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त कराएँ, उनको हम डाकखाने में बुला करके जो भी सुविधा है उसको बेहतरीन तरीके से दें, यही हमारी इच्छा रहे। प्रतापपुरा प्रधान डाकघर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत निकाली गई जागरूकता प्रभात फेरी में डाक कर्मियों ने हाथों में राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में आगरा डाक परिक्षेत्र के सहायक डाक निदेशक धर्मेश गगनेजा की उपस्थिति विशेष रही। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।